नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत हरियाणा में आने वाले समय में जो भी डीसी रेट भर्ती होगी वो इसी निगम के अंतर्गत होगी। तो दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत किस प्रकार जो है वो डीसी रेट भर्तियों के लिए क्या पूरी प्रक्रिया रहने वाली है वो इस वीडियो में आप जान पाएंगे। इसके अलावा क्या जो है वो कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत डीसी रेट भर्तियों के लिए क्या योग्यता रहेगी, क्या उम्र रहेगी, क्या क्या जरूरी दस्तावेज जिनकी आपको जरूरत होगी, तो पूरी जानकारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की है वो इस वीडियो में आप जान पाएंगे। और किस प्रकार जो है वो डीसी रेट भर्तियों में बिना एग्जाम के जो है वो सिलेक्शन होगा इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी कि किस प्रकार जो है वो हरियाणा सरकार डीसी रेट में जो है वो बिना एग्जाम के बच्चों को जो है वो सिलेक्शन देगी। तो यहाँ पर दोस्तों आए एक्सपीरियंस सोशियो इकोनॉमिक सक्षम युवा आदि जो भी हैं उनको किस प्रकार जो है वो कितने अंक दिए जाएंगे, किस आधार पर ये किसको कैसे अंक मिलेंगे, पूरी जो कौशल रोजगार निगम से जुड़ी अपडेट है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और हरियाणा में जो भी जॉब से जुड़ी, हरियाणा से जुड़ी या कौशल रोजगार निगम से जुड़ी कोई भी अपडेट आप सही तरीके से पाना चाहते हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो योग्यता, उम्र और जो भी पूरी प्रक्रिया है वो मैं आपको इस वीडियो में आप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उम्र के बारे में बता देता हूँ कि जो आपके डीसी रेट भर्तियाँ यानी जो आपके अनुबंध आधार की जो भर्तियाँ होंगी उनमें मुख्यमंत्री जी ने अधिकतम उम्र है वो 42 साल तय की है। और जो भी आपका डाटा होगा वो आपका परिवार पहचान पत्र का ही डाटा मान्य किया जाएगा, चाहे वो आपकी जाति हो या आपका आयु प्रमाण पत्र हो, पीपी डाटा को ही जो है वो सर्वोपरि माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए जो अनुबंध पर कर्मचारी लिए जाएंगे तो उनकी इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो अधिकतम 42 वर्ष जो है वो आयु निर्धारित की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जो आयु के हिसाब से भी जो है वो कैटेगरी को अलग अलग विभाजित किया है जिसमें 18 से जो 25 साल के युवा हैं उनको जो है वो अलग अंक दिए जाएंगे भर्ती के। इसके अलावा 25 से 36 साल के लोगों को अलग अंक दिए जाएंगे। पूरा आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अभी सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि केवल 42 साल तक ही जो है वो यहाँ पर जो भी उम्मीदवार है वो इसका फायदा उठा सकेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सामाजिक आर्थिक के भी 5 अंक दिए जाएंगे। इसकी जो पूरी जानकारी है वो मुख्यमंत्री जी ने लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो सभी को बताई है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार जो है वो किसको अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कच्ची नौकरियों पर पहला हक होगा गरीब का, उसके बाद आएगी सक्षम युवाओं की बारी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ठेकेदारी जो सिस्टम है वो लगभग खत्म हो चुका है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के आने के बाद सारी भर्तियां रोकी जा चुकी हैं। अब जो भी डीसी रेट की भर्ती होगी वो बकायदा जो है वो कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत होगी। और मुख्यमंत्री जी के अनुसार जो है वो मुख्यमंत्री जी ने जैसा लोगों से जो है वो वादा किया था उसी के अंतर्गत हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पोर्टल है वो आपको जनवरी एंड तक उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरामीटर के आधार पर जो है वो आपको 100 अंकों में से जिसके सबसे ज़्यादा अंक होंगे उसी को नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर टोटल आपका जो क्राइटेरिया है बिना एग्जाम के आपको 100 अंक आपको जो है वो लेने होंगे। 100 में से जिसके भी ज़्यादा अंक होंगे यानी 100 में से 90-95 जिसके भी जितने अंक होंगे वहाँ पर जो भी ऊपर ऊपर होगा उसको वहाँ पर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि गरीबों को किस प्रकार जो है वो अंक मिलेंगे। तो जिनकी 1,80,000 से कम सालाना आय है उनको 40 अंक दिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी बीपीएल श्रेणी के कैंडिडेट हैं परिवार पहचान पत्र के अनुसार तो उनको जो है वो 40 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा 2 लाख से कम सालाना आय वाले जो भी परिवार हैं उनको 30 अंक दिए जाएंगे। अब बारी आती है कि जिनकी 3 लाख से कम सालाना आय कमाई वाले जो भी परिवार हैं यानी जो 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 20 अंक दिए जाएंगे। और जिनकी 3 लाख से 4 लाख के बीच इनकम है उनको 10 अंक दिए जाएंगे। और जिनकी जो है वो 4 लाख से ऊपर है उनको कुछ भी अंक है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा विशेष आप में अगर कोई विशेषता है, आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वहाँ पर आपको जो है वो 20 अंक आपको दिए जाएंगे।
इसमें जो है वो आपके एक्सपीरियंस को भी शामिल है वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी की सीईटी पास है कोई तो उसको भी वहाँ पर 10 अंक हैं वो दिए जाएंगे। तो यहाँ से ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि सीईटी के भी इसमें 10 अंक दिए जाएंगे। तो सरकार जो है वो यहाँ पर जो सुचारू रूप से भर्तियाँ हैं वो जैसे ही सरकार का बजट आएगा मार्च में, तो उसके बाद जो है वो सरकार अप्रैल तक इस पे आपको डिसरेट भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो विधवा और अनाथ युवा हैं उनको भी 5 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा गृह जिला जिसमें भर्ती होनी है, यानी अगर आप उसी जिले के हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है वो 5 अंक दिए जाएंगे। जैसे अगर एक वैकेंसी के अंतर्गत एक तो गृह जिले का युवा अप्लाई करता है और एक बाहरी जिले का युवा अप्लाई करता है, तो इसको 5 अंक मिलेंगे, इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो था आपका किस प्रकार किसको क्या अंक मिलेंगे। हम आपको उम्र के हिसाब से भी आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार किसको क्या अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा साफ तो दिख नहीं रहा होगा, परंतु मैं आपको जो है वो पढ़कर पूरा बताऊंगा कि किस प्रकार जो है वो उम्र के हिसाब से भी अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन तो किया नहीं है, परंतु इन्होंने जो है वो बताया है कि आयु को लेकर भी जो है वो सरकार ने मापदंड तैयार किए हैं, जिनमें से जो है वो 30 से 36 साल को रखा गया है। इसके अलावा 36 से 42 साल के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको रखा गया है, और एक ग्रुप है 18 से 24 साल का और एक ग्रुप है 24 से 30 साल का। ये चार ग्रुप जो है वो सरकार ने एज को लेकर बनाए हैं। बाकायदा हर एक कैंडिडेट को अलग अलग अंक हैं वो दिए जाएंगे। 42 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इन नौकरियों को देखने की उसको इजाज़त नहीं होगी, और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ जिस जिले का युवा है उसको वहाँ पर पहली प्राथमिकता है वो दी जाएगी। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र पर पोर्टल पर करा सकेंगे पंजीकरण। तो यहाँ पर परिवार पहचान पत्र आपका होना जरूरी है। जो पोर्टल है वो जैसे ही शुरू होगा वहाँ पर आप परिवार पहचान पत्र के थ्रू ही आप अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं होगा तो वहाँ पर आपको भर कर दिया जाएगा। इसके अलावा किस प्रकार जो है वो भर्ती प्रक्रिया आएगी, तो इसको लेकर भी आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही सभी युवा इस पर पंजीकरण कर देंगे, उसके बाद किसी भी सरकारी विभाग या संस्था में इस पोर्टल पर जैसे ही कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो जो डिपार्टमेंट है, जो संस्था है, जो सरकारी विभाग है, वो इस पोर्टल पर जानकारी देगा कि हमें इतने युवाओं की ज़रूरत है। तो वहाँ पर मौजूदा कर्मचारियों को भी इस पोर्टल पर है वो पहले से दिखाया जाएगा, यानी जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको भी जो है वो इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत उनको भी ऐड किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही जो विभाग है इन पदों के साथ जो है वो बजट का ब्यौरा भी उस विभाग को जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देना होगा, और वहाँ से जैसे ही फाइनेंस विभाग के द्वारा जैसे ही अनुमति मिल जाती है उसके बाद जो है वो भर्ती हो सकेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको ये भर्ती उस समय देखने को मिलेगी जब फाइनेंस विभाग जो है वो इसकी अनुमति दे देगा। परंतु जो कर्मचारी हैं उनकी मौजूदा स्थिति और जो अगर आपको नए कर्मचारियों की आवश्यकता है उसके लिए आपको जो पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसको आपको इन्फॉर्म करना होगा। बकायदा आपको बजट का ब्यौरा भी है वो विभाग के पास भेजना होगा। उसके बाद फाइनेंस विभाग है वो अगर अनुमति देता है तो आप जो है वो उस पोर्टल पर भर्तियां देख पाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे पुराने कर्मचारी हैं उनका भी डाउट है, तो उनका भी मैं दूर कर देता हूं कि पहले से लगे कर्मचारियों को कोई भी खतरा नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले से अनुबंध आधार पर लगे जो करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं उनको नए फैसले से कोई खतरा नहीं है। पहले से लगे किसी सरकारी यानी किसी भी अनुबंध आधार के कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। धीरे धीरे उनकी भी सेवाएं जो हैं वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ली जाएंगी और वो भी ठेकेदार से मुक्त होकर निगम के कर्मी होंगे। तो ये पूरी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री जी ने जो है वो सभी के सामने रखी, और उसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि अब डीसी रेट नहीं होगा, अब निगम रेट होगा, और हरियाणा को 3 श्रेणियों में जो है वो अब निगम रेट के हिसाब से बांट दिया है। जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे गुड़गांव जो कि श्रेणी 1 में है, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। इसके अलावा श्रेणी 2 में जो पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी, ये सभी जो है और जींद, ये सभी आपके जो सेकंड क्लास है उसमें आएंगे। इसके अलावा जो आपकी श्रेणी 3 है उसमें जिला महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूह और चरखी दादरी,
इनको शामिल किया गया है। तो ये आपके निगम रेट के हिसाब से ये जो भी जिले मैंने मेंशन किए हैं श्रेणी के हिसाब से अलग अलग वेतनमान है वो इनको दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप समझ गए होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर योग्यता के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जिस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी वहाँ पर अगर आप उस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं तो वहाँ पर आपको लिया जाएगा। अगर आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो भी आपको उस समय लाभ होगा। उम्र की मैं आपको बताना चाहूँगा, उम्र 42 साल की मैं आपको पूरा डिटेल से बता चुका हूँ कि 42 साल मैक्सिमम इसमें उम्र रहने वाली है। और 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36, 36 से 42, ये चार पार्ट उम्र के हिसाब से भी अतिरिक्त अंक हैं वो दिए जाएंगे। यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार जो है वो सोशियो इकोनॉमिक के भी अंक मिलेंगे, किस प्रकार आय के हिसाब से भी जो है वो सरकार अंक देगी, किस प्रकार एक्सपीरियंस के अंक देगी, किस प्रकार सक्षम युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो पूरे आपको इस वीडियो में मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करूंगा आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। हमारी तरफ से कौशल रोजगार निगम को लेकर आपका कोई भी डाउट होगा उसको